बारिश अभी अभी बंद हुई है, सोचा है थोड़ा चाय पी लिया जाए, तो चाय बनवाइए, एक बार चाय पी लेते। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। और लगभग 3-4 दिन से जो बारिश हो रही थी वो अभी बंद हो गई है। अभी तो मतलब धूप निकली हुई है, शाम तक देखते हैं, फिर मौसम बदल सकता है, क्योंकि धूप तो रोज़ ही निकलती है सुबह, और दोपहर होते होते कुछ ना कुछ मौसम में चेंजेस आ जाते हैं, बारिश आ जाती है या फिर घाटा। आज यूपी में है निकाय चुनाव, यूपी पूरी यूपी में कहाँ, हमारे क्षेत्र में तो आज ही है, तो आज इलेक्शन है 4 तारीख। सभी से अनुरोध है अपना अपना वोट ज़रूर डालें और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें जो आपके काम धाम करा दे, बाकी नहीं तो चलता तो सभी का ही है। सब काम कराते ही हैं, आपको पता ही होगा, हम अच्छा काम कराते हैं, हम ईमानदार हैं, हमें वोट दो। तो ये तो सभी नेताओं का नारा कह दो या स्लोगन। में एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा मानना यह है कि एक अच्छा उम्मीदवार ही आपके क्षेत्र को बहुत आगे तक ले जा सकता है। भाई लोगों, गांव में लाइट वगैरह तो थोड़ी सी कमी आती है, इसके लिए हमने तो अपना एक उपचार करा हुआ है। बारिश के मौसम से क्या है कि लाइट वगैरह थोड़ी सी कम आती है, तो हम लोगों ने तो वैसे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो हमारा तो चल जाता है। दिखाता हूँ आज आपको अपने सोलर पैनल, ये लगभग हमारे 1.5 किलो वाट का अभी लगाया हुआ है, और बाकी 7-7.5 किलो वाट हम लोगों ने अभी खेती के ट्वेल के लिए लगा, मतलब जो अभी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के थ्रू जो अभी सोलर पैनल वितरित हुए थे, तो उसमें मैंने अपना डाला हुआ था, तो हमारा वो सबमिट हो गया था, और अभी जो है उसका आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शायद यह 1.5 किलो वाट का सोलर पैनल, लगभग 1 किलो वाट ये है 4 प्लेट, और लगभग 0.5 किलो वाट के आसपास ये है, तो ये टोटल लगभग 1.5 किलो वाट है। जब धूप निकलती है तो बहुत अच्छा चलता है, इससे लगभग 1 टन का एसी हम लोग चला लेते हैं, दिन भर मस्त चलता है 1 टन का एसी। और ये देखिए, एक में तो ये टूट गया था, इस पर कोई पत्थर वगैरह आके लगा था यहाँ पर, तो ये टूट गया, बट फिर भी काम करता है। ये है, तो ये टोटल लगभग 1.5 किलो वाट है हमारा दिन में, लगभग जब फुल धूप निकलती है तो मतलब एक अच्छे से एसी चल जाता है 1 टन का, बढ़िया। ये है ग्रीन एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स, इससे अच्छा सोर्स मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, और शायद मेरे हिसाब से क्या वर्ल्ड में ग्लोबली इससे अच्छा सोर्स नहीं है। अब 1 टन का एसी आराम से चल सकता है, अगर और जब धूप पूरी तरीके से निकली हो, गर्मियों में तो इतना अच्छा काम करता बहुत ही, लगभग 7-7.5 किलो वाट हमारा कुसुम योजना के जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, तो उसके थ्रू हमने 12 का लिया है, जो हमारे खेत पे 12 लगा है तो उसके लिए लिया है हमने, और वहाँ देखते हैं। अभी बारिश के बाद की जो ग्रीनरी होती है ना, वो तो देखने लायक होती है, देखिए पीछे कितना ग्रीन ग्रीन है। बारिश के बाद धूप इतनी तेज लगती है ना, और आज बहुत तेज धूप है, क्योंकि कल ही बारिश होकर निकली है, और जो भी पॉल्यूशन था वो नीचे बैठ गया, तो इससे धूप बहुत तेज है। तो भाई लोगों, यूपी में एक और माफिया का गेम ओवर हो चुका है। अनिल दोजाना दिल्ली एनसीआर का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। भाई लोगों, यूपी गवर्नमेंट इस मामले में काम तो अच्छा कर रही है, कि जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उन्हें अच्छे से चटकाने का काम, और ये अच्छी बात है। बट थोड़ी सी एक चीज़ ये है कि ये पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड ना दिया जाए, नहीं तो वो मुंबई वाला केस होगा, कि एक बार मुंबई में एसटीएफ को फ्री हैंड दे दिया, तो उन्होंने जो उनके छोटे मोटे दुश्मन थे ना, उन्हें भी चटका दिया, तो वो सारी चीज़ें ना हो, कोई बेकसूर ना मारा जाए, बाकी जो इस तरीके की चीज़ें हैं उन्हें तो एलिमिनेट होने ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें
लोगों को दुख देते हैं, तो इनका एलिमिनेशन बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे से व्यूज के साथ, कुछ अच्छे से पॉइंट्स के साथ। अभी थोड़ा नए हैं तो कोशिश कर रहे हैं हल्के हल्के, जल्दी कुछ अच्छा आपको दिखाएंगे, एंटरटेनिंग सा। कहीं बाहर ट्रैवलिंग करेंगे, कुछ आइडिया हमारे मतलब सोच रहा हूँ मैं, उस पर जल्दी अमल किया जाएगा, कुछ नया दिखाएंगे। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर निकलने का, बट अभी थोड़ा सा इसी रीजन से फंसे हुए, वो अगर क्लियर हो जाए फिर एक बार जाते हैं, बाहर घूम के आते हैं। ऐसे मेरा प्लान जो है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, या तो लद्दाख, केदारनाथ तो अभी मेरा इस साल पॉसिबल नहीं होगा, मथुरा वृंदावन तो कभी भी घुमाएंगे। तो इन दो चार जगहों में से ही अभी स्टार्टिंग में प्लान बनेगा कहीं ना कहीं जाने का, और जाते हैं फिर मिलते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ एंटरटेनिंग। यार जो भी मेरे देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं, वो बस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।